हथियाड़ी फुटबॉल मैदान में आप देख रहे हैं, ये जमुना ऑटो के द्वारा काम कराया जा रहा है। और यहाँ पर अभी जो है वीर सेना के कुछ लोग हैं, ये इस मैदान का भी विरोध कर रहे हैं। जेबीकेसीएस की टीम पिछले 5 दिनों से धरना प्रदर्शन में लगी हुई है। हमारे साथ में पहले आपका शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम दिनकर कच्छप हुआ, मैं बिरसा सेना का केंद्र अध्यक्ष। बिरसा सेना जमशेदपुर में काफी जो आदिवासियों के हित के लिए काम करना है ये करती है, यही काम आप लोग है कि जो इलीगल जमीन को छेका जाता है, जमीन कब्जा के मुक्त किया जाता है, आप उन लोगों को मुक्त कराने का काम करते हैं, आदिवासियों के हित के लिए काम करते हैं। ये झारखंड, झारखंड ही नहीं समस्त भारत, ये पूरा बिरसा का है। बिरसा के गलान से बना हुआ ये धरती, ये लहू, जो लहू दिया गया बिरसा का, उस लहू को आज हम याद करते हैं। और बहुत दुख लगता है कि आज वोट बैंक बना के हम लोगों का जमीन को टारगेट करता है और हम इसके हर चाल में फंस जाते हैं। लेकिन जाग चुका है युवा, अब होगा फिर से गुलगुलान, क्योंकि जितने भी भ्रष्ट अधिकारी हैं और जितने भी पूंजीपतियों की दलालीगिरी कर रहे हैं, वो होश में आ जाए कि बिरसा मुंडा का वंशज है हम लोग। ऐसे ही इस झारखंड में CNT, SPT और विल स्किल्स एंड रोल नहीं लागू हुआ है, दलाली करके नहीं, खून दिया है। कौन हम लोगों के कितने पीर शहीद यहाँ शहीद हुए इस माटी के लिए, और आज GIDA के नाम पे और अंचल अधिकारी अपना बलपूर्वक प्रशासनिक ताकत दिखा के यहाँ के हथियाड़ी के गांव के लोगों को डरा के, धमका के, धक्का मुक्की करके जो जमीन लूटने का काम कर रहा है और ग्राम सभा का हत्या किया जा रहा है। और CO महोदय, होश में आइए, अगर आप संविधान को मानते हो और आप सही में उस पद की गरिमा को जानते हो, तो आपको ग्राम सभा का ABCDZ पढ़ना होगा, क्योंकि ग्राम सभा आपका मालिक है, हम आपके मालिक है, हम आपके बॉस है। आई एम द ऑनर ऑफ दिस लैंड, यू आर नॉट ऑनर जस्ट ओनली फॉर एम्प्लॉय, आई एम टॉकिंग टू यू CO साहब। दिनकर कच्छप, दिनकर कच्छप जी एक बात बताइए, आज जो है यहाँ चीफ मिनिस्टर आदिवासी हैं, यहाँ के जो आदिवासी कल्याण मंत्री वो आदिवासी हैं, चंपा सोरेन जी यहाँ के विधायक भी हैं और आज मंत्री भी हैं। हेमंत सोरेन जी अभी कुछ दिन महीने पहले ही कहा है कि जितने भी वन पट्टे की जमीन है वो आदिवासियों का है, झारखंडियों की है, सबसे पहला है झारखंडियों को दिया जाएगा। लेकिन आज जो है वन पट्टे की जमीन को एक कंपनी को दे दिया गया, ये कहाँ तक उचित है? देखिए, मिट्ठू मियाँ का नाम सुने हैं आपने कभी? मिट्ठू मियाँ राजा समथिंग समथिंग, ये वही चीज हुआ है। अंधों में काना राजा होता है, ये भी सुने होंगे, वही चीज है। ये खुली आंख वाली अंधों की सरकार है। पेशा कानून की भी बात करते हैं, ग्राम सभा का भी बात करते हैं, और हनन इन्हीं लोगों के द्वारा किया जाता है। और हमारे लोग मुख्य दर्शक बन के बैठे रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कुछ लोग हैं जो ग्राम सभा का बात करते हैं, लेकिन गांव के लोगों को नहीं पता कि क्या है ग्राम सभा। लेकिन मैं उनको ज्ञात करा दूं, राज्य सरकार कान खोल के सुन ले, जितने भी उनके मंत्री हैं वो भी सुन ले, अगर हमारे ग्राम सभा क्षेत्र के जमीन को अगर किसी तरह का हनन करते हैं, जिस जमीन पे हमारे लोग कई वर्षों से आजादी के पहले से कहा जाए तो ब्रिटिश के हम लोगों ने लोहा लिया है। ये हथियार जो आप देख रहे हो, ये ब्रिटिश को चना चबाया था, ये अगर आप भूल गए हो तो आपका इंसान मर चुका है, आप आदिवासी हो ही नहीं, आप नहीं हो सकते आदिवासी, क्योंकि आदर अगर आदिवासी होते तो आपको दर्द होता आदिवासियों का। आप GIDA के नाम पे ग्राम सभा का जमीन को लूट रहे हैं और ग्राम सभा का हत्या कर रहे हो, जबकि आपको पता है कि ग्राम सभा सर्वप्रथम है,
सर्वश्रेष्ठ है। सिर्फ ग्राम सभा से दो व्यक्ति ही बात कर सकता है, एक है राज्यपाल और एक है राष्ट्रपति। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री की भी औकात रही है ग्राम सभा से ऊंची आवाज में बात कर सके। तो आज हमारे ग्राम सभा को हनन करने का काम हमारे मंत्री, हमारे राज्य सरकार कर रहे हैं। अगर ऐसा चलता रहा तो फिर एक बार उलगुलान देखने के लिए तैयार हो जाए। और 24 का चुनाव भी सामने है, मैं क्या करा दूं कि अगर आपका अगर यही रवैया रहा, आप जो बोलते हैं वो करते नहीं है, खाली पेपर में पेपरबाजी होता है, तो ये नहीं चलेगा। अगर आप सही में पैसा कानून का बात करते हैं, सही में ग्राम सभा का बात करते हैं, तो इसको धरातल में उतारिए, ऐसे नहीं चलेगा। चले तो ये थी दिनकर कच्छप जी, बिरसा सेना के, इनको द्वारा ये एक तरह का ये कह रहे थे कि इनको आज आदिवासियों की जमीनों को नहीं छीना जाएगा। अब तक न्यूज सच आपके सामने, जोहर झारखंड, जय झारखंड।